हेलो गाइस वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट वोडाफोन आइडिया वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई एक अपडेट आप लोगों को देना है बेसिकली बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू इफ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फर्स्ट टाइम गाइज प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन नियर बाई दैट टू गेट नोटिफिकेशन फॉर ईच वीडियोज़ तो आप लोगों से मैं बात करूंगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में इसके अंदर हम आज की सिचुएशन को देखें तो 11.50 की ओपन प्राइस के बाद 11.70 का हाई बनाता है और लो बनाता है 10.80 का आप देखें तो इसके अंदर हमें ज़बरदस्त तरीके के से गिरावट देखने को मिली है अगर आप देखें यहाँ पे तो लगभग 10.90 के आसपास क्लोजिंग देता है एन पे जो कि तकरीबन 5.63 परसेंट डाउन है यानी लगभग साढ़े पाँच परसेंट की गिरावट हमें देखने को मिली है इसके अंदर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कौन से दो बड़े कारण हैं मैं वो दो बड़े कारण को आपके सामने जो है डिस्कस करने की कोशिश करूंगा इसके अलावा कुछ और पैरामीटर्स देख लें अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो नाइन थ्री हंड्रेड सिक्सटीन पॉइंट वन सेवन मिलियन यानी थर्टी वन करोड़ सिक्सटी वन लाख सेवेंटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी नाइन क्वान्टिटीज़ यहाँ पर ट्रेड होती हैं जिसमें से थर्टी फिफ्टी फोर पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट डिलीवरी अगेन आपको बताना चाहूँगा डिलीवरी परसेंट जबरदस्त तरीके से उठाया गया है इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा गाइस बीएससी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है टेन करोड़ ट्वेंटी सिक्स लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड एट हंड्रेड एटी टू जिसमें से थर्टी परसेंट के आसपास की डिलीवरी उठा ली गई है डिलीवरी अगर आप देखें तो कल यानी थर्सडे को और फ्राइडे को ऑलमोस्ट देखें तो काफ़ी ज़्यादा है मतलब यूज क्वांटिटी में डिलीवरी उठाई गई है इसका पीछे का कारण यह हो सकता है कि लोग इस उम्मीद में हैं कि यह रिवर्सल जल्दी ही करेगा और बात भी सही है आपको रिवर्स होता हुआ बहुत जल्दी ही दिखेगा लेकिन गिरावट के पीछे के कौन से दो बहुत पोटेंशियल बड़े कारण हो सकते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे इसके अलावा अगर आप मार्केट कैप देखें तो थर्टी पॉइंट करोड़ रुपये है और ओके uh, okay, बाकी पैरामीटर्स मैं डिस्कस अभी नहीं करूंगा मेन पॉइंट की बात करूंगा जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना है और सुनना है गाइस सबसे पहला पॉइंट है जिसके जो इसकी गिरावट के पीछे का कारण हो सकता है राइट right? वो है कि इसका जो रिज़ल्ट है पहला पॉइंट बेसिकली रिज़ल्ट तो नहीं है उसको अगर हम काउंट करेंगे तो तीन पॉइंट हो जाएंगे लेकिन मेजर में दो पॉइंट्स बताना चाहूँगा मेजर में चलिए पॉइंट देखते हैं तो पहला पॉइंट ये है गिरावट के पीछे का कि जो इसके फंड रेजिंग के लेके बात चल रही थी उस फंड को ये मार्केट में मार्केट डिमांड कर रही है कि वो फंड जितना जल्दी से जल्दी रेज हो जाए उतना ज़्यादा बुरा फोन आइडिया के लिए सही रहेगा आप मेरी बात समझ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मार्केट डीले नहीं चाह रही मार्केट चाह रही है कि जितना जल्दी से जल्दी आप रेस करिए लेकिन वही है जल्दीबाजी से काम होता नहीं है टाइम लगता है चीजों को होने में और एग्जीक्यूट होने में तो ये एक सबसे बड़ा कारण है इसी से जुड़ा हुआ एक कारण ये भी आप समझ लीजिए कि जो इसका रिजल्ट आया था ना क्वार्टर थ्री का उस रिज़ल्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों ने डाउन साइडेड कॉमेंट्री करी है नेगेटिव टारगेट्स बताए हैं यानी नीचे की तरफ के टारगेट्स बताए हैं ये एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ की करंट दौड़ रही है मार्केट में वोडाफोन आइडिया के अगेंस्ट में आपको मैंने बताया था मगर मच्छों से सावधान रहो इस कंपनी के अंदर इसको डुबाने और गिराने के लिए बहुत लोग तैयार हैं मार्केट में खड़े हैं तो उनका असर काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहा है राइट right? दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो प्रूफ के साथ ट्राई ने रिलीज किया है डेटा आइए उसको देखते हैं तो दूसरा कारण यह है गाइस कि आप अगर आप देखें यहां पे तो मनी कंट्रोल की एक वेबसाइट मनी कंट्रोल की एक आर्टिकल के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वोडाफोन ने million, 5.7 मिलियन यानी 57 लाख के आसपास का जो टोटल कस्टमर बेस है ये खो चुके हैं दिसंबर के क्वार्टर के अंदर राइट तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक नेगेटिव न्यूज़ है इस कंपनी के लिए अब ये न्यूज़ आई कहाँ से ये न्यूज़ आई है ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये अपडेट करी गई और ये एक बहुत ही बड़ा एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर लोग बिलीव करते हैं क्योंकि, क्योंकि कस्टमर बेस आपका जब रहेगा तभी आपका बिजनेस चलेगा कस्टमर नहीं रहेगा तो आप अपनी सर्विसेज को किसको बेचोगे सबसे बड़ा यहाँ पे यही क्वेश्चन उठता है राइट तो देख लेते हैं कि क्या स्टेटस है इस क्वार्टर के अंदर वोडाफोन आइडिया का अगर हम देखें तो आज की डेट में वोडाफोन आइडिया का जो मार्केट शेयर है ट्वेंटी फोर पॉइंट समथिंग परसेंट के आसपास है हाँ ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स फोर परसेंट बचा रह बच चुका मतलब रह गया है एयरटेल की अगर हम मार्केट शेयर की बात करें रेवेन्यू मार्केट शेयर तो ट्वेंटी नाइन पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट है वहीं अगर हम जियो की बात करें तो थर्टी फाइव पॉइंट फोर थ्री परसेंट के साथ अभी भी वो मार्केट में लीड कर रहा है हम यहाँ पे जियो की त, आ, बात करें तो जियो अपने आप में खुद एक लूजर है इस क्वार्टर में जियो ने खुद लूज किया है गेनर कौन है फिर गेनर है गाइस एयरटेल एयरटेल ने जबरदस्त तरीके से गेन किया है इस क्वार्टर के अंदर राइट right? हालांकि टोटल टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स की बात करें अपने देश में भारत में इंडिया में तो वन वन थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी थ्री मिलियन आकर के हो जाता है जबकि इससे पहले वाले क्वार्टर में या इससे आई थिंक ये मंथ वाइज दिया गया है गाइस आई एम सॉरी फॉर दैट ये क्वार्टर वाइज नहीं है प्रीवियस मंथ में अगर आप देखें यानी दिसंबर से पहले वाले मंथ में तो 1175 मिलियन था इस बार 1173 मिलियन हो गया है इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं टेलीकॉम सब्सक्राइबर बेस डाउन क्यों हुआ डाउन ये हुआ क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा है आपको पता है प्रोटेस्ट में लेकर के जियो को काफ़ी नुकसान भी हुआ और शायद इसी वजह से जियो को यहाँ पे कम कप सस्ट कस्टमर्स गेन हुए हैं हालांकि फिर भी गेन हुए हैं ऐसा नहीं कि गेन नहीं हुआ है फोर लैख सेवेंटी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवेंटी कस्टम सेवेंटी नाइन हंड्रेड सेवनटीन कस्टमर्स को गेन करता है रिलायंस जियो दिसंबर के महीने में वहीं एयरटेल की बात करें तो फोर मिलियन कस्टमर बेस को ऐड करता है सबसे ज्यादा एडिशन करता है भारतीय एयरटेल वहीं वोडाफोन की बात करें तो ये लूज करते हैं अपने कस्टमर बेस को ये ट्राई के डेटा के आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं अभी ध्यान से सुनिएगा इन बातों का मैं आपसे कंक्लूजन भी अभी डिस्कस करूँगा राइट तो यहाँ पे अगर हम बात करें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की तो रिलायंस जियो ने अभी भी मार्केट के अंदर ब्रॉडबैंड सेगमेंट में लीड कर रहा है विद 410.84 मिलियन कस्टमर्स वहीं भारतीय एयरटेल की बात करें तो 179 मिलियन कस्टमर्स के साथ ब्रॉडबैंड कस्टमर्स के साथ बना हुआ है मार्केट में वहीं वोड़ा आइडिया की बात करें तो 120.77 मिलियन कस्टमर्स के साथ बना है दिसंबर के महीने के अंदर राइट तो ट्राई किया ट्राई की तरफ से जो डेटा रिलीज़ किया गया है अगर मैं इसको सच मानूँ विश्वास इस पे करूँ तो एक बात तो बोलना ज़रूरी है कि वोडाफोन फोन आइडिया को अपने सर्विस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हालांकि कंपनी कर भी रही है मैं तारीफ़ करूँगा कि कंपनी जो है अपने सब्सक्राइबर्स को रिटेन करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठा रही है और मैं आपको कंसिस्टेंटली कौंसिस्ट, अपडेट भी करता रहा हूं और करूंगा आगे राइट right? तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को हर हाल में अपने कस्टमर बेस को मेंटेन करके रखना प्रायोरिटी है क्योंकि कस्टमर बेस अगर चला जाएगा ना तो फिर आपको कस्टमर बेस मिलना मुश्किल ही हो जाएगा नामुमकिन हो जाएगा मुश्किल तो छोड़ दीजिए नामुमकिन हो जाएगा क्योंकि कस्टमर बेस आपकी बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस एसेट है अगर हम उस एसेट को लूज़ करेंगे तो हमारे लिए दिक्कतें बढ़ती जाएंगी तो यहाँ पे कस्टमर बेस को बढ़ाना मेंटेन ही नहीं करना बल्कि आपको बढ़ाने की स्ट्रेटजी मार्केट में ले करके के आना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना पॉसिबल नहीं है वो कैसे पॉसिबल है आपके सामने आपका बढ़िया कंपटीटर एयरटेल जियो को मात देने के लिए सबसे आगे निकल गया आप क्यों पीछे रह गए भाई वोडाफोन आइडिया पीछे क्यों रह गया एडिशन करने में सबसे बढ़िया इसके पास सुनहरा मौका था कि कस्ट यहाँ जो फार्मर्स थे वो एक बढ़िया प्रोटेस्ट कर रहे थे जियो के अगेंस्ट आप उस फायदा उठाते ना आप उसको फायदा, उसको उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाया आपने आपको एक बढ़िया मौका था आप कुछ ऐसा मार्केट में लेके आते जो लोगों को लुभाते लोगों को अट्रैक्ट करते अपनी सर्विसेज़ को देने में शायद इससे आपका कस्टमर बेस बढ़ जाता और फिर आप सर्विस की क्वालिटी को मेंटेन करते और वो आपका कस्टमर बेस बढ़ा रहता बना रहता एटलीस्ट रिटेन रहता ताकि आप अपनी और बेसिक सर्विसेज को बेस्ट बना सको कंपनी के एनालिस्ट और कंपनी के जो मेंटोर्स हैं अब अपने लेवल से सोच रहे हैं समझ रहे हैं ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी है इस पॉइंट के ऊपर पॉइंट आउट करने के लिए जो कि पूरी तरीके से आप और लोग भी रिजेक्ट कर सकते हैं वैसे ये रिजेक्ट करने लायक नहीं है ऐसा ही होना चाहिए था क्योंकि एक सुनहरा मौका था कंपनी के सामने और अभी भी है ऐसा नहीं कि अभी नहीं है अभी भी है राइट तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी कि ऐसा अगर हो जाए कंपनी कोशिश कर रही है देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन इमर्ज होती है तो अच्छा सॉरी गाइस आप लोगों को अगर कुत्तों के भोगने की आवाज़ आ रही थी एक्चुअली बहुत ज़्यादा हैं तो इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो माफ़ करिएगा समाइम्स से शुरू हो जाते हैं तो खैर अगर हम बात करें आपके कंपनी वोडाफोन आइडिया की तो आप लोगों को देखना बताता रहूंगा कंसिस्टेंटली कि क्या अपडेट आ रही हैं राइट right, लेकिन गिरावट के पीछे का सबसे बड़े दो कारण मेरे हिसाब से यही हैं और इनको कंपनी के लोग भी इग्नोर नहीं कर सकते इसको आपको अकाउंट में लेना पड़ेगा सो आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माई टॉक्स राइट योर गाइज इफ यू लाइक दिस कॉन्टेंट प्लीज गिव अ थम्स अप एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन डी मेड ऑलरेडी अकाउंट इफ इन केस यू आर न्यू देर इज अ लिंक फॉर यू इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो क्लिक ऑन दैट टू ओपन योर अकाउंट इन अपॉक सी यू नेक्स्ट टाइम Till then take care.